पिछले 2 साल से वार्ताओं के दौर और लद्दाख में धूल चाटने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लंबे वक्त से जारी तनाव के बावजूद चीन ने भारत से पंगा लेने का नया ब्रिज तैयार कर लिया है। आखिर इस ब्रिज के निर्माण के पीछे चीन की असल मंशा क्या है और ये भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है? पेंगोंग लेक पर चाइनीज ब्रिज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में इन सभी सवालों का जवाब दर्ज है। ये कोई आम सैटेलाइट तस्वीरें नहीं है बल्कि लद्दाख में चीन की साजिशों के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। जो पेंगोंग झील पर एक ब्रिज का अवैध निर्माण करने में जुटा है जो 8 मीटर चौड़ा और 315 मीटर लंबा है। 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पुल निर्माण में लगे चीनी मजदूर और इंजीनियर एक भारी क्रेन की मदद से कंक्रीट स्लैब और खंभों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज तक को मिली इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने वाला यह ब्रिज उस क्षेत्र में बन रहा है जो 1958 से चीन के कब्जे में है। A government has been monitoring this activity closely. This bridge is being constructed in areas that have been under the illegal occupation by China for around 60 years now. As you are well aware, India has never accepted such illegal occupation. इन सैटेलाइट तस्वीरों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीरों से मैच करने पर पता चलता है कि चीन ने पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पिछले साल सितंबर में इस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था। 4 महीने में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साउथ बैंक की तरफ पुल का सिर्फ कुछ मीटर निर्माण कार्य ही बाकी बचा है। चीन की एक ऐसी चाल है जिस पर खास नजर रखने की जरूरत है और वह है पेंगोंगसो लेक पर एक ब्रिज का निर्माण जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आया हुआ है। इसमें स्पष्ट पता चलता है कि चीन एक तरफ तो भारत के अक्साई चीन इलाके में जहां पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है उसमें अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जिसका मुख्य मुद्दा मिलिट्री है, उसका कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट लेना देना नहीं है। तो यह जो पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ एंड साउथ बैंक को जोड़ने वाला जो ब्रिज बनाया गया है उसकी मदद से उसको सामरिक महत्व में मामले में बहुत फायदा मिलेगा और हमने जो काम कैलाश रेंज को ऑक्युपाई करने के लिए किया था शायद उसकी संभावना काफी कम हो जाए। इस पुल के निर्माण के पीछे चीन की मंशा भी साफ जाहिर है जिसे 2020 में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये साफ है कि पेंगोंग में चीन का ये पुल सितंबर 2020 में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट में कैलाश की चोटी पर कब्जा करने के भारतीय सेना के आक्रामक कदम का सीधा जवाब है। उस समय चीनी सैन्य तैनाती को भारतीय सेना से काफी खतरा महसूस हो रहा था जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों से सैनिकों को वापस लाकर झील के आसपास के इलाके में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा था। पेंगोंगसो लेक को जो ब्रिज करेगा दोनों तरफ से ये उनको सहूलत देगा जो उनकी बैटलफील्ड मोबिलिटी है वो टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पर जहां पर चाइनीज को जो पीएलए है पीपल लिबरेशन आर्मी उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एजिलिटी मिलती है कि एक साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक से ट्रूप्स मूव कर सकें लॉजिस्टिक्स मूव कर सकें मेडिकल केयर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए मूव कर सकें क्योंकि पहले उनको पूरा वापस जाके रेडॉक जाना पड़ता था फिर इस तरफ आना पड़ता था तो ये डिवाइड्स हो जाती थी एक फिजर था कमांड कंट्रोल के लिए भी वो भी आसान हो जाता है इनके लिए तो ये चाइना कर रहा है। लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे डिप्लोमेटिक लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से चाइना जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल भेज रहा है वो ठीक नहीं है कि जो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो एलईसी पे जो ये ब्रिज बना रहा है तो ये जो है चाइना को थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं यहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमको सॉल्यूशन चाहिए उनको भी सॉल्यूशन चाहिए दोनों को सॉल्यूशन चाहिए दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो ब्रिज है ये उनको हेल्प करेगा टैक्टिकल लेवल पे ऑपरेशन लेवल पे पीएलए को और लॉजिस्टिक्स में और कैजुअल में।
इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पैंगोंग लेक पर चीन का नया पुल उस क्षेत्र में चीनी सेना को बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगा और चीन को झील के किसी भी किनारे से सैनिकों को जल्द जुटाने की क्षमता देगा। नॉर्थ बैंक के सैनिकों को अब अपने बेस तक पहुंचने के लिए पैंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सफर अब करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। भारत सरकार भी मानती है कि चीन का ये पुल लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब है। गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टेप्ड अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स bridges etc which have provided much needed connectivity to the local population along the border. ये पहली बार नहीं जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख की सीमा तक चीन ने इस तरह के कई निर्माण कार्यों की न सिर्फ शुरुआत की है बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। पैंगोंग सो पर बन रहा यह पुल चीन के असली इरादों को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि उससे हमेशा खबरदार रहने की सीख भी देता है। अंकित कुमार, आज तक।